Hello, welcome to Arvind Singh Academy and myself Arvind Singh, and we are discussing questions of JEE Advanced. एक एक क्वेश्चन रोज दे रहे हैं और इसी की डिस्कशन हो रही है ताकि आपको JEE Advanced के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा सके. तो बाकी सारी चीज़ें तो बताई जा चुकी है बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस हम चाहते हैं कि डिस्कस करें. तो ये क्वेश्चन है लिखा हुआ, ध्यान से देखें. लिखा है कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि लेट ए बी एंड लैम्डा बी ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड पी बी एट बी एट वन एंड ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर डेल्टा एक्स. पी एक पॉइंट है और वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर डेल्टा एक्स. एंड सपोज द एलिप्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन पासेज थ्रू पी. Then tangent, if the tangent to the parabola and the ellipse at point P are perpendicular to each other, then eccentricity of the ellipse is. तो basically क्या है कि इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले solutions के तौर पे हम ये देखें कि क्या क्या लिखा है. तो यहाँ पे एक ellipse और एक parabola की बात की जा रही है. तो ellipse एक मान लेते हैं ऐसा ellipse है और जिसका सेंटर कहाँ है, जिसका सेंटर है ओरिजिन पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा कुछ है ना. तो ये हो गया एलिप्स, ठीक है. इसका सेंटर है ओरिजिन, एक्स एक्सिस इधर और ये वाई एक्सिस और इधर एक्स डैश और ये वाई डैश है ना. तो ये हो गया ओरिजिन पे इसका सेंटर है जीरो जीरो. अच्छा, ओ ये पॉइंट है. दूसरा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर लैम्डा एक्स है, तो ये भी इस एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, यानी ये पैराबोला कुछ इस तरह का होगा है ना. और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये है पी. पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे, एक टेंजेंट ऐसा होगा कि इस पॉइंट पे एलिप्स पे होगा ऐसा, और दूसरा जो होगा वो होगा इस पे क्या बोलते हैं पैराबोला पे. ये दोनों की जो दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. ये ऐसा कह रहे हैं कि एक साइड टेंजेंट होगा ये टेंजेंट, और जो इस पे टेंजेंट होगा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इस पॉइंट पे. तो यहाँ पे हम टेंजेंट जो होगा ये कुछ इस तरह का होगा, और ये जो टेंजेंट होगा ये कुछ इस तरह का होगा. ये दोनों परपेंडिकुलर अगर हैं तो आपको बताना है कि पी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है. ये है ऐसे और ये जो है कुछ ऐसे, ठीक है. इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आपको बताना है कि की वैल्यू एसेंट्रिसिटी की क्या होगी. तो ये है, आप समझ सकते हैं. चलिए डायग्राम बन गया हमारा लगभग. और ये जो है ये दोनों परपेंडिकुलर है टेंजेंट. तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर ये कहूँ कि जो ये इस कह रहे हैं कि लैटिस रेक्टम का एंड पॉइंट है, तो लैटिस रेक्टम जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है ना. और ये लैटिस रेक्टम होगा आपका कुछ इस तरह का. तो ये होता है लैटिस रेक्टम जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है एट फोकस, ठीक है. तो एक्स इज इक्वल टू ए होती है उसकी लाइन, ये लैटिस रेक्टम है और यहाँ पे ये पॉइंट पी है. लैटिस रेक्टम का इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए होता है, लेकिन ए के जगह पर यहाँ लैम्डा है, तो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ये है, यानी यहाँ पर भी एक की वैल्यू जो होगी वो लैम्डा होगी. और y की वैल्यू क्या होगी, तो चूंकि इक्वेशन है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर लैम्डा एक्स, तो x लैम्डा रखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू लैम्डा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर लैम्डा स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस टू लैम्डा. तो ये होगा एक लैम्डा और टू लैम्डा यहाँ पे होगा एक पॉइंट, और एक यहाँ पे होगा लैम्डा और माइनस टू लैम्डा. ये सब पुरानी बातें हैं जो सबको पता होगी. और ये पैराबोला पे पॉइंट है, ये यहाँ पे अब टेंजेंट निकालनी है. तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला होता है
equation of tangent to the parabola, to the parabola, आपको पता है parabola है ellipse हो hyperbola हो, y square is equal to 4a, x is equal to क्या होता है y y1 is equal to 2a x plus x1, ये होता है। तो ये यहाँ पर a के जगह पर क्या है lambda और y के जगह पर क्या है 2 lambda, तो 2 lambda y into 2 lambda is equal to 2 lambda into x plus lambda और x1 के जगह पर क्या है lambda, ये पॉइंट होता है at x1 y1 है ना, तो ये इसलिए ऐसा होता है यहाँ पे रख दिया। ये समझने के लिए सारी चीज था, चूंकि हम उन बच्चों को भी बताना चाह रहे हैं जो अभी एडवांस से दूर दूर है, जस्ट 11th क्लास में है और उनको थोड़ा सा बहुत डायरेक्ट लिखने पे बात नहीं समझ में आएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप क्या होगा, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया यहाँ पे, देयर फोर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, टेंजेंट टू द पैराबोला, टू द पैराबोला, कौन सा पैराबोला, y square is equal to 4 lambda x is क्या हो गया m1 is equal to 1, क्यों, क्योंकि y is equal to mx plus c होता है, ठीक है ना, और m के जगह पर क्या है 1, तो m1 हमने 1 मान लिया। Now अब इस equation पे equation of tangent at point P to the ellipse, to the ellipse, कौन सा ellipse, x square by a square plus y square by b square is equal to 1, तो इसका भी tangent का equation होता है at point x x1, x x1, x square to be replaced by x x1, age क्या होगा x और x1 के जगह पर क्या है alpha upon a square plus y, y1 के जगह पर क्या है 2 alpha upon b square is equal to 1, चूंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है x x1 upon a square and y y1 upon b square is equal to 1 at point किस पे x x1 पे होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होता है। तो यहाँ x1 की जगह पर lambda और y1 की जगह पर 2 lambda, so that will be यहाँ पे अब स्लोप क्या होगा, so slope of tangent, therefore slope of tangent of ellipse के tangent का क्या हो गया m2 is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y होता है, यानी minus x by a square divided by coefficient of y, coefficient of y क्या है 2 lambda upon b square और यहाँ पे है lambda upon a square, x coefficient of x lambda upon a square, so what will happen, that will be lambda upon, so ये हो गया minus lambda upon a square into b square upon 2 lambda, lambda से lambda cancel, ये हो गया m2 is equal to minus b square by 2a square, चूंकि दोनों ही tangent perpendicular है तो product of slope must be equal to minus 1, since tangents are perpendiculars to each other, ठीक है, perpendiculars to each other and therefore m1 m2 must be equal to minus 1, okay, so m1 1 है और m2 है minus b square by 2a square is equal to minus 1, minus से minus कट गया, b square by a square is equal to क्या हो जाएगा ये 2, ठीक है, b square by a square हो जाएगा 2 और a square by b square हो जाएगा 1 by 2 और a square by b square is equal to 1 by 2, ठीक है। अब ellipse का eccentricity क्या होता है, so eccentricity of ellipse कितना होता है, e is equal to under root, e is equal to क्या होता है under root 1 minus a square by b square, ठीक है, eccentricity, so ये होगा 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2 अंडर रूट, यानी 1 by root 2, ये हो गया eccentricity of ellipse, तो यही हो गया आंसर 1 by root 2। अब ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे 1 by root 2 कौन सा ऑप्शन है, a, so answer will be a, right ना, so hopefully you got it, आपको समझ में आ गया होगा और आपने कोई गलती नहीं की होगी, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आसान था ये,
ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है? सो होपफुली यू गॉट इट। थैंक यू वेरी मच। अगले सवाल पे फिर मिलते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन एज वेल, कि आपको नई वीडियो जो है इंजीनियरिंग जेई की प्रिपरेशन के लिए आपको मिलती रहे और आप उसे लाभान्वित होती रहे, ठीक है? थैंक यू।